ट्यूटरिंग। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ माई एसक्यूएल सीरीज। इन माई लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू हाउ यू कैन मेक टेबल्स इन माई एसक्यूएल। द लिंक ऑफ दैट वीडियो यू कैन एक्सेस फ्रॉम आई बटन। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट DML स्टेटमेंट्स ऑफ SQL लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। So let's begin. सबसे पहले हम लोग इंसर्ट कमांड को सीखेंगे। इंसर्ट कमांड, इफ आई टेल यू, इज यूज टू इंसर्ट डेटा और रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सो हाउ वी कैन वर्क यूजिंग इंसर्ट कमांड, लेट्स सी। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मैं डेटाबेस चेंज कर रहा हूँ। सो आई हैव चेंज द डेटाबेस, आई हैव एक्टिव डेटाबेस टेस्ट जिसको हम यूज करते आए हैं। देन इफ आई शो यू द टेबल्स इनसाइड दिस डेटाबेस, देन यू कैन सी दीज आर द टेबल्स विच आर अवेलेबल इन दिस डेटाबेस जो मैंने बनाई हैं। जो ये कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज कमांड, शो टेबल्स कमांड, ये पुराने वीडियोज़ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे सारे माई एसक्यूएल सीरीज़ के वीडियोज़ आप लोग ऊपर आई बटन को क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ सपोज इन बुक्स टेबल देयर इज़ अ टेबल बुक्स, यू कैन सी आई वॉन्ट टू एंटर सम डेटा, आई वॉन्ट टू एंटर सम रिकॉर्ड्स। सो लेट मी शो यू सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यू कैन सी देयर आर थ्री रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन दिस टेबल, देयर आर थ्री कॉलम्स इन दिस टेबल, बुक नंबर और बुक अंडरस्कोर एनओ, बी नेम मींस बुक नेम एंड प्राइस अंडर विच वी कैन एंटर डेटा, एंड वी हैव थ्री रिकॉर्ड्स एंटर्ड इन दिस टेबल। यू कैन सी रिकॉर्ड नंबर, बुक नंबर 4, बुक नंबर 20 एंड बुक नंबर 30। नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू एड वन और टू रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल, देन वी विल यूज इंसर्ट कमांड एंड सी केयरफुली इन वॉट मैनर आई एम यूजिंग इट, वॉट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ यूजिंग दिस कमांड। सो टू एड डेटा और रिकॉर्ड इन योर टेबल यू विल यूज इंसर्ट कमांड इन दिस वे, राइट, इंसर्ट इन टू and the name of the table in which you want to enter data. So in our case it's books, and then values. So repeat करिए इसे, insert लिखेंगे आप, उसके बाद into लिखेंगे, ये तो fix है आपको लिखना ही है। उसके बाद उस table का नाम लिखेंगे जिसमें आप data डालना चाहते हैं। तो हमारे case में books table है जिसमें हम data entry कर रहे हैं, तो books लिखेंगे। उसके बाद values, तो insert into a values, ये तो fix आपके तीन keyword है, और बीच में इनटू के बाद उस टेबल का नाम आएगा जिसमें आपको डेटा डालना है। इसके बाद आप लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे हमेशा की तरह। यहाँ पर आपको मैं वॉर्न करना चाहूँगा, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट मैंने लगाया है, लेस देन के जैसे ये अपीयर होता है, लगता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ये लेस देन का सिम्बॉल नहीं है, ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस है, ऑर्डिनरी ब्रैकेट जिसे कहते हैं। इसके बाद आप डेटा आपका मेंशन करेंगे बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपके पास फील्ड है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बुक अंडरस्कोर एनओ नाम का पहला फील्ड है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल 1 मैंने दी, फिर कॉमा लगाएंगे अगली वैल्यू को टाइप करने के लिए। अगला फील्ड हमारा वी नेम है जिसमें आप देख सकते हैं अल्फाबेटिक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, बुक का नाम हमें लिखना है। तो जितनी भी फील्ड जिनमें अल्फाबेटिक वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यूज आपको डालनी है, हमेशा याद रखिए उनकी वैल्यूज को आपको सिंगल कोट्स में देना है। तो जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस द नेम ऑफ द बुक जो मैं एंटर करना चाहता हूँ, सिंगल कोट क्लोज करिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऐसे फील्ड जिनमें आपको कैरेक्टर डेटा डालना है उनकी वैल्यूज को आप सिंगल कोट में मेंशन करेंगे, डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज एरर जनरेट होगी। फिर से कॉमा लगाएंगे। थर्ड फील्ड है हमारा प्राइस जिसमें फिर से न्यूमेरिक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को आप ऐसे ही दे सकते हैं बिना सिंगल कोट के। तो तीनों फील्ड्स या जितने भी फील्ड्स आपकी टेबल में हैं उनके लिए रेस्पेक्टिव आप रूल के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड करेंगे, और रूल सिंपल इतना है कि आपको कैरेक्टर वैल्यूज को, और अगर डेट टाइम टाइप का अगर कोई फील्ड है तो उस वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यूज और डेट टाइम टाइप की वैल्यूज को आपको सिंगल कोट में देना है,
उसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यूज और डेसिमल वैल्यूज को आपको ऐसे ही देना है। तो जितने भी फील्ड हैं उसी सीक्वेंस में आप डेटा प्रोवाइड करिए और सेमीकोलन लगाइए अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यू विल सी द मैसेज क्वेरी ओके, इट मीन्स के डेटा आपका सक्सेसफुली एंटर टेबल में हो गया। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट, आप सेलेक्ट कमांड से एक बार चेक कर सकते हैं। यू कैन सी जो रिकॉर्ड हमने एंटर किया था 1 Computer Science 280 इज नाउ इन द टेबल। सो दिस वॉज हाउ यू कैन यूज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का ही एक स्पेशल केस और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मान के चलिए यू वॉन्ट टू एंटर पार्शियल डेटा। आप पार्शियल डेटा मीन्स हमारी टेबल में 3 फील्ड्स हैं और हम केवल 2 फील्ड्स में ही डेटा डालना चाहते हैं या कुछ फील्ड्स में डेटा डालना चाहते हैं, कुछ को छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसे पार्शियल डेटा इंसर्शन कहते हैं। तो उसके लिए इंसर्ट कमांड आपको एक अलग तरीके से यूज़ करनी होगी। लेट सी इट, आपको इंसर्ट इनटू तो लिखना ही होगा, उसके बाद टेबल का नाम लिखना होगा, यहाँ तक सेम है। उसके बाद इस वाले केस में जब आप पार्शियल डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो टेबल का नाम लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर वो फील्ड मेंशन करने होंगे जिनमें आप डेटा डालना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, नाउ आई वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड इन दिस टेबल बट दिस टाइम आई वांट टू एंटर वैल्यूज इन फर्स्ट 2 फील्ड्स ओनली। मैं प्राइस मान के चलिए छोड़ना चाहता हूँ, स्किप करना चाहता हूँ, तो आपको उन फील्ड के नाम मेंशन करने होंगे जिनमें आप डेटा डालना चाहते हैं। पैरेंथेसिस बंद करिए। ये केवल याद रखिए, फील्ड का नाम आपको तभी मेंशन करना है जब आप कुछ फील्डों में डेटा डाल रहे हैं, कुछ को खाली छोड़ना चाहते हैं। तो उन फील्डों के नाम मेंशन करिए टेबल के नाम के बाद ब्रैकेट में जिनमें आप डेटा डालना चाहते हैं। उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड आपको लिखना होगा ऊपर के जैसे, टेबल के नाम के बाद हमने वैल्यूज लिखा था, और देन ब्रैकेट में आपको फिर से डेटा प्रोवाइड करना होगा जैसे हमने डेटा प्रोवाइड किया था। तो अब इस बार आपको बुक नंबर और बुक नेम के लिए डेटा देना है। तो से बुक नंबर इज 5 एंड द नेम ऑफ द बुक इज मैथ्स। सेमीकोलन लगाइए अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर से एक बार आप देख लीजिए, इफ यू वांट टू एंटर पार्शियल डेटा इन अ टेबल, आप टेबल के नाम के साथ उन फील्ड्स को मेंशन करेंगे जिनमें आप डेटा डालना चाहते हैं, उसके बाद वैल्यूज के साथ उन्हीं फील्ड्स की जो भी वैल्यूज हैं उन्हें आप मेंशन करेंगे। नाउ लेट सी, फिर से व्हेन आई एग्जीक्यूटेड द कमांड मैसेज आया क्वेरी ओके, इट मींस कि सक्सेसफुली हमारी कमांड एग्जीक्यूट हुई। और अगर हम एक बार दोबारा से चेक करें बुक्स टेबल को कि क्या उसके अंदर पहुंचा, देन यू विल सी रिकॉर्ड नंबर 5 हमने एंटर किया था मैथ्स, और देखिए प्राइस इसका नल आ रहा है। तो इट मींस जिस फील्ड को आप छोड़ेंगे उसके अंदर नल एंटर हो जाएगा और बाकी जो वैल्यूज आपने प्रोवाइड किए हैं वो आपकी एंटर होंगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि इफ़ यू वांट टू एंटर पार्शियल डेटा इन अ फील्ड, तो जिस फील्ड को आप स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो नल को अलाउ करे, बिकॉज ये उस केस में ऑटोमेटिकली MySQL जो फील्ड आपने नहीं मेंशन किए हैं उनके अंदर नल डालेगा, और नल उसके अंदर परमिटेड होना चाहिए, उस फील्ड के लिए परमिटेड होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज हाउ यू कैन यूज ऑफ इंसर्ट कमांड। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट DML कमांड विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज अपडेट कमांड और अपडेट स्टेटमेंट। इसका यूज़ अगर हम जाने तो अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ हम टेबल के डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए या चेंज करने के लिए करते हैं। टेबल में कुछ इनकरेक्ट डेटा है या इनकम्प्लीट डेटा है, उसे अगर आपको चेंज करना है देन फॉर दैट कॉज वी यूज़ अपडेट कमांड। ये DML कमांड होती है, DML स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बुक्स टेबल में डेटा एंटर किया था एंड इन द सेकेंड गो हमने जो रिकॉर्ड एंटर किया था उसमें प्राइस हमने स्किप किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं बुक नंबर 5 के लिए प्राइस नल एंटर्ड है। नाउ लेटर आफ्टर एंटरिंग डेटा, लेटर ऑन सपोज यू वॉन्ट टू चेंज इट, जैसे मैं इसे चेंज करना जानता हूँ,
चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इसका प्राइस मैं उस समय नहीं डाल पाया था वो अब डाल पाऊँ, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए अपडेट कमांड को यूज़ आप लिखेंगे अपडेट एंड देन द नेम ऑफ द टेबल विच यू वॉन्ट टू अपडेट. सो इन आर केस द नेम ऑफ द टेबल इज बुक्स. देन इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कमांड यू विल राइट सेट एंड द नेम ऑफ द फील्ड हुज वैल्यू यू वॉन्ट टू चेंज. सो इन आर केस वी वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइस फील्ड. सो आई विल राइट प्राइस एंड देन यू विल प्रोवाइड अ न्यू वैल्यू यूजिंग इक्वल टू साइन. से द प्राइस ऑफ द मैथ बुक इज 170. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस कमांड नाउ देन वॉट इट विल डू, इट विल चेंज द प्राइस ऑफ एवरी रिकॉर्ड एंड इट विल मेक इट 170. बट वी डू नॉट हैव टू डू लाइक दैट, वी हैव टू चेंज इट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फॉर बुक नंबर 5. सो वी हैव टू स्पेसिफाई इट यूजिंग वेयर क्लॉज. सो वी विल राइट इट वेयर बुक नंबर इज इक्वल टू 5. नाउ इट्स कंप्लीटेड, यू कैन अंडरस्टैंड इट वंस अगेन. टू चेंज द डेटा ऑफ द टेबल इन एनी पर्टिकुलर फील्ड इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंजेस देन यू कैन यूज अपडेट कमांड इन दिस मैनर. अपडेट इज द कीवर्ड, इज द कमांड नेम, इज द स्टेटमेंट नेम विच यू विल राइट इन द बिगनिंग एंड देन आफ्टर गिविंग स्पेस यू विल स्पेसिफाई द टेबल हुज डेटा यू वॉन्ट टू चेंज. देन इन द नेक्स्ट लाइन यूजिंग सेट कीवर्ड यू विल मेंशन द नेम ऑफ द फील्ड हुज वैल्यू यू वॉन्ट टू चेंज. इन आर केस वी वॉन्ट टू चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइस फील्ड. सो आई हैव मेंशन्ड प्राइस एंड देन यू विल राइट द न्यू वैल्यू विच यू वॉन्ट टू पुट. सो आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस नल विद 170. सो आई हैव मेंशन्ड 170. एंड डोंट फॉरगेट टू स्पेसिफाई द रिकॉर्ड फॉर विच यू वॉन्ट टू मेक चेंजेस, अदरवाइज द चेंजेस विल रिफ्लेक्ट फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स. सो आई हैव रिटन दिस क्लॉज एट लास्ट वेयर बुक अंडरस्कोर एनो इज इक्वल टू 5 टू स्पेसिफाई दैट आई वॉन्ट टू मेक दीज चेंजेस ओनली फॉर रिकॉर्ड नंबर 5. सो नाउ पुट सेमीकोलन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड. यू कैन सी क्वेरी ओके, इट मीन्स वी हैव अपडेटेड. Now if you want to check, so you can check it using select command. Now you can see the price of mass book has been changed. Now it is 170. Earlier it was null. So this way using update command you can change the value of any field, or we can say we can change the data of any table. So remember it, this was one of the cases which I want to tell you what is the uses of update command. Now again let me tell you another case, another situation of update statement. Suppose I want to increase the price of every field by 5%, or say I want to decrease the price of every book by 5%. So if you want to make changes like this, then you have to write a different expression using update command. So let's see this case. So the first line will be same, update books, because we want to make the changes in books table. Then we will write set and the name of the field whose value we want to change. So I want to change the price field, so I will write price. Now what I want to do, by thinking that we have to frame an expression, we have to mention that expression here, because now we don't want to replace these older values with some new value, rather than we want to change these values with some kind of expression. So maan ke chaliye main प्राइस 5% इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो हम लिखेंगे जो भी ओल्डर प्राइस है वो रहे प्लस उसमें हो जाए प्राइस का 5%. मींस 5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 0.05.
तो फिर से इस एक्सप्रेशन को एक बार समझ लीजिए, आप प्राइस का क्या करना चाहते हैं, जो प्राइस है ओल्डर प्राइस उसमें आप प्लस करना चाहते हैं प्राइस का ही 5%, यानी 5/100 आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम दिस मच. नाउ इफ यू वॉन्ट टू मेक दीज चेंजेस फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स देन मेंशन योर क्राइटेरिया यूजिंग वेयर क्लॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू मेक these changes for all records then there is no need to mention the where clause. Okay, so I am trying to make these changes for all records, that's why I am not writing where now. You can see the message query. Okay, 5 rows affected because we have 5 rows in the table. So now let's see, let's check once again how is the updated data of the table. You can see now the values has been changed. If you calculate by yourself, then every price of this table books is being increased by 5%. So this was how you can use update command. Now आपके मन में ये बात आ सकती है कि अगर हमें multiple changes करने हैं, multiple fields के लिए changes करने हैं, तो सभी के लिए आपको अलग अलग update commands लगानी होंगी. एक बार में एक ही फील्ड में आप चेंजेस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर आपको फील्ड्स में चेंजेस करने हैं तो आपको अलग अलग अपडेट्स कमांड यूज़ करनी होगी. और अगर रोज़ को कंट्रोल करना है कि किस किस रो के लिए चेंजेस करना है तो आप वेयर से कंट्रोल कर सकते हैं, और सभी रोज़ के लिए करना है तो वेयर को लगाने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि इस केस में मैंने किया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अपडेट कमांड, अनदर DML स्टेटमेंट. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. DML command which we will learn is delete command. Delete command का use हम लोग table में data को delete करने के लिए कर सकते हैं. आइए देखते हैं किस तरह से हमें delete command को use करना है. बहुत ही simple command है, इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. What two cases I have which I will tell you. As you can see, I have books table जिस पर हम लोग आज के वीडियो में हमने प्रैक्टिकल्स किए. सपोज आई वॉन्ट टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, केस नंबर 1 ऑफ अ टेबल. से रिकॉर्ड नंबर 4 को मुझे डिलीट करना है जिसका बुक नंबर 4 है, तो कैसे करेंगे? यू विल राइट डिलीट द नेम ऑफ द कमांड देन फ्रॉम and then the name of the table. Then you have to specify the criteria where book NO is equal to 4. So this way you can write this command for deleting a particular record. Now after putting semicolon, press enter to execute the command. You can see we got message query okay. Now let's check whether the record is deleted or not. You can see book number 4 is not available now. It means it has been deleted. तो इस तरीके से आप एक particular record को delete कर सकते हैं. Similarly मैं कह सकता हूँ इसी तरीके से वेयर के साथ आप जो भी क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे उसको मैच करते हुए रिकॉर्ड आपके डिलीट कर दिए जाएंगे. केवल एक रिकॉर्ड ही नहीं, आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से. फॉर एग्जांपल एक और बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसी कमांड को, डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस. इस बार मैं अपना क्राइटेरिया प्राइस नाम के फील्ड पे लगा रहा हूँ जिसका प्राइस से ग्रेटर देन 190 है. तो आप देख सकते हैं इस क्राइटेरिया को मैच करते हुए मेरे पास 2 बुक्स हैं, बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 30, जिनका प्राइस 190 से ज़्यादा है. तो ये दोनों ही बुक्स
इस टेबल से डिलीट हो जाएंगी. यू कैन सी द मैसेज टू रोज अफेक्टेड. नाउ इफ यू चेक दोज टू रिकॉर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. सो दिस वे यू कैन डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल बाय स्पेसिफाइंग द क्राइटेरिया. नाउ द अनदर केस एंड द ओनली लेफ्ट केस ऑफ डिलीट कमांड. If you want to delete the entire data of the table, then there is no need to define any criteria. Simply write command like this: delete from and the name of the table whose data you want to delete. So be cautious before using this command, because it will delete all the data of your table. Means it will wash out all records of the table. So be very cautious, be very confirm before executing this command. So as you can see, now if I will check the data of this table, then you can see I got this message: empty set, means there is nothing now in this table. Table is still left. Okay, remember this thing. When you will delete all the records of the table, then table won't be deleted. Table will still exist. Okay? You can confirm it using show tables command. See, books table is still present, but there is no data. So this was how you can use the delete command. So students, friends, मेरे इस वीडियो में मैंने आपको MySQL की डिफरेंट DML कमांड्स बताए, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट. आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे. मैं आपको एडवाइस करूँगा आप इन्हें प्रैक्टिस करें, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी. मेरे वीडियो को बार बार देखें. अगर आपको मेरे दूसरे MySQL सीरीज़ के वीडियोज़ देखने हो तो ऊपर दिए हुए आई बटन से आप उनके लिंक एक्सेस कर सकते हैं इससे पहले के वीडियोज़ को देखने के लिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे कमेंट्स करिए. अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा. आज के लिए इतना ही. मिलेंगे फिर नए वीडियो में एक और बार. इससे आगे कुछ और MySQL की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो. Subscribe and watch more videos.